सो हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आप सभी का एक और नई वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं टाटा की एक और कार के बारे में। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को ऑल प्रेस कर देना ऐसे ही अपडेट देखने के लिए एंड वीडियो वॉच कीजिए। तो यहाँ पर टाटा मोटर्स का मानना है कि 5 साल में उनकी कुल कारों की बिक्री इलेक्ट्रिक वाहनों की 25वीं सदी होगी। लेकिन वही जनवरी के 2020 में लॉन्चिंग होने के बाद से कंपनियों ने 6000 से भी अधिक नेक्सॉन ईवीएस की बिक्री की थी। और यहां पर टाटा का दावा है कि इलेक्ट्रिक नेक्सॉन की मांग अब तक सबसे अधिक है। और यहां पर नेक्सॉन ईवी की डिमांड डीजल से चलने वाले एसयूवी के बराबर है। और ऑटो कार इंडिया से बात करते हुए टाटा मोटर्स ने पैसेंजर व्हीकल्स बेचने की यूनिट मिस्टर साइलेश चंद ने कहा कि कंपनी नेक्सॉन इलेक्ट्रिक के लिए प्रति महीने 2000 से भी अधिक बुकिंग मिल रही है। और उन्होंने कहा कि जब हमने नेक्सॉन की ईवी जनवरी 2020 में लॉन्च की थी तब उनको लगभग 300 बुकिंग प्राप्त हुई थी पर महीने में। लेकिन अब हमारे देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की ज्यादा डिमांड बढ़ गई है, तो इसके कारण यहाँ पर बुकिंग बहुत ज्यादा होने लगी है टाटा मोटर्स को नेक्सॉन के द्वारा। और अब हमारे देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है क्योंकि यहाँ पर पॉल्यूशन का कोई भी काम नहीं होने वाला है, पॉल्यूशन बिल्कुल भी नहीं होगा। और पॉल्यूशन ना हो तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डिमांड है वो अधिकतर बढ़ते चली जा रही है, लोगों को पसंद भी आ रही है गाड़ी, क्योंकि इससे कोई भी नॉइस पॉल्यूशन कुछ भी नहीं होने वाला है। और जैसा कि मैं आपसे यहाँ पर बातें कर रहा हूँ तो यहाँ पर बुकिंग इसको 7 गुना ज्यादा बढ़ चुकी है क्योंकि पॉल्यूशन का यहाँ पे कोई भी काम नहीं होगा। सो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। सो टाटा की यू न्यूज अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर।